नमस्कार, आमने सामने बातचीत कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर हरिचंद साहनी। नमस्कार डॉक्टर साहब, इनका छोटा सा परिचय देता हूं आपको। ये अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रहे हैं स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग सीएम कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अभी हम जहाँ से बात कर रहे हैं ये इन्हीं का घर है और ये प्रयोगशाला है, पुस्तकालय, ये पुस्तकालय है। ये जगह सुंदरपुर वार्ड नंबर 4 जिला दरभंगा से है। इनका जन्म तिथि है 1/1/1947 और इनका जो कार्यक्रम है, इनका जो किताबें हैं उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ। ये लेखक रहे हैं, विद्वान रहे हैं। इनका किताब है पॉलिटिक्स ऑफ फरक्का बराज, ए पॉलिटिक एनालिसिस, भारत का युवा कौन, भारत के रत्न एवं बिहार के मोती। सबसे ज्यादा मैं खुद पढ़ा हूँ इनका ये किताब, भारत के रत्न बिहार के मोती, मेरे सपने एवं संकल्प, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, और बहुत सारे इनकी किताब है और लोगों के बीच प्रकाशित होता रहा है। इनके कई कार्यक्रम रहे हैं। सबसे ज्यादा इनका जो एक परिचय है जिस पर आजकल राजनीति हो रही है, अमर शहीद जुब्बा साहनी पे, मैं इनको जहां तक जानता हूं ये जमीन पे काम किए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा इसी बात पे कि सर आप बताइए, जुब्बा साहनी शोध संस्थान बनाने का आपका उद्देश्य क्या रहा है? आप अपने शोध संस्थान से कितने शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री करवाए हैं, थोड़ा इन पर प्रकाश डालें। दिनेश जी, ये जो मेरा जुब्बा साहनी शोध संस्थान है, ये मतलब जब मैं विश्वविद्यालय की सर्विस से अवकाश ग्रहण किया तो मैंने सोचा कि हमें जो सरकार के तरफ से जो पैसे मिले हैं, रुपये मिले हैं, उस पैसे का दुरुपयोग न हो और एक ऐसी संस्था बना दिया जाए जिसमें पूरे बिहार के शोधार्थी आके यहाँ अपना शोध कार्य करें और हम समाज में जो कुरीति है, जो बुराइयाँ हैं, जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, इन तमाम बातों को मैं चाहता हूँ इस शोध संस्थान के माध्यम से कि लोगों को अवगत कराया जाए। इसी उद्देश्य से जितनी मेरी कमाई का पैसा रुपया मिला, मैं अमर शहीद जुब्बा साहनी जी के नाम पर एक शोध संस्थान का निर्माण किया। ये इस शोध संस्थान या जो शोध संस्थान है या शोध संस्थान इसलिए भी बना है कि जुब्बा जी एक गरीब और अशिक्षित परिवार में जन्मे थे, लेकिन इनका जो जज्बा था, इनका जो उद्देश्य था देश को आजाद कराने का और एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करने का, ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े ठेकेदारों में जिस स्कूल में पैदा लिए थे उनको भी पढ़ा। तो इसलिए मैं जुब्बा साहनी स्वतंत्रता आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में जो बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर को चूमा और जुर्मी दरोगा वालर को मुजफ्फरपुर मीनापुर में जिंदा जलाया, इसलिए हम उनसे काफी प्रेरित हुए और उन्हीं पर मेरा एक पहला रिसर्च हुआ, जुब्बा साहनी जी के राजनीतिक चिंतन एवं उनका पॉलिटिकल कल्चर पर, और उस पर हमारे राजकुमार साहनी जी को प्रथम डिग्री मिली, जिसमें आपको उस डिग्री को, उस शोध को, उस शोध का की जो किताबें थी, उस किताब को पढ़ने के लिए जो बाहर से जो हमारे विद्वान लोग जो उस किताब को देखने आए या उनके यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा जो भेजा गया, उसमें जेएनयू के प्राध्यापक मालाकार साहब, डॉक्टर मालाकार और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लक्ष्मी मल्लिक त्रिपाठी, वे उस पुस्तक को पढ़े और उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, ये जुब्बा साहनी जी असली समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे और देशभक्त थे और इन पर पीएचडी की डिग्री का अवार्ड राजकुमार साहनी को मिलना चाहिए और उनको डिग्री अटल बिहारी जोशी मिल गया। उस दिन से हमें प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं इस संस्थान में हम पीएचडी की डिग्री लोगों को दिलाएं। तो अभी तक हमारे शोध संस्थान से 20 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है, जो भारत के भी हैं और दूसरे दूसरे मुल्क से भी आए हैं, जैसे नेपाल से भी लोग हमारे यहाँ शोध कार्य कर रहे हैं। इस शोध संस्थान का और उद्देश्य है कि समाज में जो व्याप्त सामाजिक बुराई है, जिसको युवा जी कहा करते थे कि समाज में जो बुराई है, वो तमाम बुराई को दूर करना है, एक राजनीतिक कल्चर संस्कृति को डेवलप करना है,
इसलिए उन्होंने समाज को नई चेतना प्रदान किया, आजादी की लड़ाई के संबंध में लोगों को जागरूक किया और वारंट जुल्मी वारंट दरोगा को जिंदा जलाने का काम किया। इसलिए हम उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के स्व संस्थान का निर्माण किया और आज तक हमारे स्व संस्थान से 20 शोधार्थी को पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है और कुछ कर रहे हैं, अभी तक शोधकार्य कर रहे हैं। दिनेश जी, दूसरा मेरा सवाल है आपसे प्रोफेसर साहब कि निषाद आरक्षण पर जो राजनीति हो रही है इसके संबंध में आपका क्या विचार है, मतलब निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर आप चर्चा करेंगे। निषाद आरक्षण पर तो मैं विस्तार से किताब लिखा हूँ, निषाद समुदाय के आरक्षण का ऐतिहासिक विस्तार से उसमें सारी बातें लिखी हुई है। यह निषाद समुदाय का एक अपना इतिहास है और वो इतिहास ऐसा है कि आज से 5000 वर्ष पहले जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो निषाद समुदाय ही एक ऐसा समुदाय था भारतवर्ष में जो यहाँ के लोगों को एक देश से दूसरे जगह ले जाने का काम नाव के माध्यम से करते थे, जहाज के माध्यम से। उसमें जहाज का कोई निर्माण हुआ ही नहीं था, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, तो नाव बड़ा बड़ा नाव बनाकर संचार व्यवस्था का काम हमारे निषाद समुदाय का था। कृषि कार्य में भी बहुत आगे थे और पशुपालन में भी आगे थे, जड़ी बूटी का भी काम करते थे। तो इस तरह से जिस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था दिनेश जी, उस समय में हमारे निषाद समुदाय का बड़ा योगदान रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन कालांतर में इस समुदाय का धीरे 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 डिटोरेशन होते चला गया और इस पर आर्य लोग जब आए, आर्य संस्कृति का जब यहाँ आगमन हुआ तो हमारे निषाद समुदाय को प्रलोभन दे करके उनको अपने विचारों से बंधक बना लिया और अब उनका जो अपना इतिहास था वो भूलते चले गए और आज के दिन में हमारा निषाद समुदाय मतलब हजारों जातियों में बटा हुआ है। लेकिन इस समुदाय का एक ऐसा इतिहास है जो इस सभ्यता के विकास के मूल में निषाद समुदाय से इनको आरक्षण तो मिलना ही चाहिए हाल में, वो राजनीतिक आरक्षण हो और अन्य आरक्षण जो अभी जो राजनीतिक गतिविधि जो चल रही है तो इसलिए आरक्षण तो मिलना चाहिए। और इस समुदाय को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो यह समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा। जो इस सभ्यता के निर्माता थे आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और शिक्षा का अभाव हो गया, गरीबी हो गई, जिसके चलते निषाद समुदाय को राजनीति के लोग भी अवहेला करते हैं। लेकिन फिर से मैंने देखा है कि यहाँ की राजनीति में एक परिवर्तन ये हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपने शासनकाल में निषादों को अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, जिससे अति पिछड़ा को कुछ लाभ हो रहा है, उसके पहले आरक्षण नहीं था। और एसटी और एससी का जो मांग हमारे निषाद समुदाय के मुकेश जी और अन्य नेता जो करते हैं वह तो उनका मांग तो जाहिर है ही, लेकिन आरक्षण उनको मिलना ही चाहिए। अब सवाल है कि एसटी का हो या मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का हो, तो हम लोग चूंकि शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ के मूल वासी हैं, इसलिए हम लोग को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। दिनेश, तो मेरा ये सवाल है कि जैसा आपने कहा अभी आपने जो चर्चा की ये सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता निषाद, हाँ। ये किताब में जो आपने लिखा हुआ है वो बात है, मेरा सवाल दूसरा है सर कि आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जो आरक्षण के नाम पर जो राजनीति हो रही है जैसा आप जानते हैं कि गुज्जर आंदोलन पटेल आंदोलन इसमें बहुत नुकसान हुआ देश को, इस पर भी आप अपनी राय रखिए ना कि हर आदमी अगर आरक्षण के लिए खड़ा हो जाएगा तो फिर ये देश कैसे चलेगा, आप नुकसान होगा ना। अगर मान लीजिए मलाह को आरक्षण दे देता है तो उसके बाद दूसरी जाति कहेगा हमको भी आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण के दौर में देश पीछा हो रहा है ऐसा मुझे लगता है, आप पर अपना इस पर विचार। मेरा इसमें यही है दिनेश जी कहना कि भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है जी जी, और विशाल समुदाय की शैक्षणिक जो स्थिति है वो पीछे जी जी पीछे चल रही है और यहाँ सवर्णों की राजनीति मतलब मजबूत रही जी, और वो लोग यहाँ इस लोकतंत्र में हावी रहे जी, बदली हुई परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन से प्रभावित हुए लोग जी, और समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया के विचार से जब प्रभावित हुए जी, तो बिहार में खास करके लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और अन्य लोग और इंडिया में जी, बहुत सारे ऐसे दलित नेता उभर कर आए जिन्होंने तमाम जो डाउनट्रोडन कम्युनिटी के थे, जो दलित समुदाय के थे, जिन पर शोषण और जुल्म अत्याचार हो रहा था,
इन लोगों को आरक्षण देने की बात जब किए तो मुख्यमंत्री जी ने भी इनको एहसास किया कि नहीं पहले पिछड़ा को आरक्षण मिल जाए और पिछड़ा वर्ग में जो दबंग जाति के लोग है उनको फिर मिल ही रहा है। इसलिए कर्पूरी फॉर्मूला को सीधा सीधी नीतीश कुमार जी लागू किए और उसमें बहुत सारे जाति को भी आरक्षण मिला जो दलित शोषित पिछड़ा समाज का है। इधर हाल में भी नए नए लोगों को आरक्षण अति पिछड़ा में मिल रहा है और एसटी एससी तो है ही। आपका जो कहना है वो बात सही, प्रजातंत्र में एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण हो तो सबके लिए हो, लेकिन क्योंकि समाज में जो पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति चली आ रही है, जो सवर्ण लोग है बहुत आगे बढ़ गए हैं, पिछड़ा और दलित पीछे छूट गया है, तो उसको भी उस रेस में जाना चाहिए, इसलिए आरक्षण जरूरी है। तो मतलब सवर्ण में भी तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे, तो उनके लिए भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की क्या जरूरत नहीं पड़ सकता है? हाँ एकदम जरूरत है, तो इसलिए तो नीतीश कुमार जी अपने शासन में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास, जिसमें सवर्ण भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, दलित भी आते हैं, उसमें जो गरीब दलित अगर सवर्ण में है तो उनको भी उनका भी विकास होना चाहिए, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। जी मैं इस पर जानना चाहता हूँ जो तटबंध निर्माण में जो बांध का निर्माण हो रहा है इस पर आप अपना विचार रखें। जैसा कि जानते हैं कि मैं खुद बागमती आंदोलन से रहा हूं, वहां पे बांध जो है बहुत दूर तक बना है और कई बार टूटा है, बांध बनता है टूट जाता है, इस पर आप अपने विचार रखें। अच्छा इसमें तो बांध जो तटबंध है पूरे भारतवर्ष में और यहाँ जो खतरनाक नदियां सब है जिसमें कोसी सबसे खतरनाक नदी है, इस बाढ़ के समय में इसकी जो विनाश लीला होती है वो ऐसी होती है कि कोसी के इलाके में सारे के सारे लोग तबाह हो जाते हैं, घर डूब जाता है, वो सारे लोग उस बाढ़ में फंस जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति फंस जाती है। तो सरकार का जो विभाग है वो यह विभाग अलग से काम कर रही है और उनका दायित्व तो होता है कि जितनी भी नदियां हैं यहाँ जिससे यहाँ के किसान यहाँ की आम जनता को बाढ़ के समय में घाटा होता है, फसल दह जाता है, घर दह जाता है, तो ये विभाग का काम है कि उसको बड़ा मजबूती से तटबंध बनाए, बांध बनाए और उसमें पैसा का घपला नहीं करे, भ्रष्टाचारिता नहीं करे और ईमानदारी से उस बांध को मजबूत बांध बनाए जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और जनता को उस बाढ़ की विभीषिका से जनता बच सके, ये मेरा कहना है। सर कोसी के क्षेत्र में मैं खुद गया हूँ, बहुत पहले जिन लोगों का घर उजड़ गया है आज भी उनका घर नहीं बसाया गया है, उसी क्षेत्र में गया हूँ और बागमती का मैं खुद पीड़ित रहा हूँ, देखता रहा हूँ, ये मुआवजा अगर नहीं मिल पाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमी है कि नहीं? नीतीश कुमार जी का आप इतना प्रशंसा करते हैं तो उनकी कुछ कमी है कि नहीं? अभी तक की जितनी भी सरकार हुई है नीतीश जी की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। जी जी अरे श्री नारायण श्री बाबू भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, विनोदानंद जी आदरणीय विनोदानंद जी भी थे और माननीय जगन्नाथ मिश्रा भी थे और केदार पांडे और अन्य लोग आपको रहे हैं जी, तो लालू जी रहे हैं, नीतीश जी हैं, वो सारे लोग मुख्यमंत्री, तो सभी के शासन काल में जो विभाग है जिस विभाग के द्वारा जैसे अभी ललन सिंह उसके मंत्री है तो उनका दायित्व तो होता है कि वो तटबंध को काफी मजबूत से बनाए, है ना? तो सरकार का अपना अपना सब विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये तटबंध के लिए भी एक अलग से विभाग है, इन सारे विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व होना चाहिए, उन पर दबाव होना चाहिए कि नहीं भाई काम पक्का होना चाहिए जिससे कि गरीब गुरुआ को लाभ मिले। आज मैं देखता हूँ कि कोसी के इलाके में जो इसके पहले जो विभिषिका आई थी बाढ़ की कोसी की, उससे पूरे के पूरे उस इलाके के लोग मतलब दह गए थे घर को, लेकिन वहाँ बढ़िया बढ़िया घर भी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो होना चाहिए सो हुआ है, ये हम यहाँ तक हम आपकी बात से नहीं। मैं उसमें एक और बात देख रहा हूँ जो पिछले बार बाढ़ आया था जिसमें 6,000 करके लोगों को मिला है, उस समय में मैंने देखा कि ये जो गंडक नदी पे पहले से बांध बना हुआ है तो उसको तो नहीं टूटना चाहिए, वो गंडक नदी बागमती से ज्यादा खतरनाक हुआ है, बागमती पे तो अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो जब बांध बन ही जाता है टूट ही जाता है तो बार बार बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, तो बात सही है कि बांध ऐसा बने कि मजबूत बांध हो और ऐसा बने कि फिर उसका लाइफ 100 साल 200 साल वर्ष हो, लेकिन हमारे जो विभागीय लोग होते हैं काम करने वाले लोग होते हैं वो ईमानदारी से नहीं काम करते, जब तक वन टूट जाता है और उससे किसान हमारे लिए उनको क्षति होती है, उनका घर डूबता है, फसल डूब जाता है। बहुत आप इस काम को कर रहे हैं, मतलब आपको बागमती नदी पर जो तटबंध बराबर टूट जाना, गंडक पर टूट जाना, बहुत दिनों से आप कार्यरत है, जनता को जागरूक कर रहे हैं, सरकार
की गलत नीति का विरोध करते हैं, बहुत बहुत आज हम बधाई देते हैं। आप यहाँ आए, मेरे साथ साक्षात्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दोबारा कहना चाहेंगे, ये डॉक्टर हरिचंद सहनी है, ये अमर शहीद जुब्बा सहनी शोध संस्थान, शोध एवं सेवा संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। यहाँ से बहुत ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, बता रहे थे डॉक्टर साहब 20 विद्यार्थी को इन्होंने पीएचडी करवाया है। और कभी कभी अपने जीवन में मैं खुद देखा हूँ, कुछ गरीब लड़के अगर रहा हो, अगर वो शिक्षा पाना चाहता है तो ये उनकी मदद कर दिए हुए हैं। मुझे लगता है जो अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उससे अच्छा ये है कि ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा किए हैं और अमर शहीद जुब्बा सहनी का प्रचार भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया, उसको दिखलाइएगा, हमारे कंप्यूटर पर लोड कर सकते हैं ना अभी।